वैलेंटाइन डे है कल, तो गिफ्ट चाहिए। कल है, कल बात करना। लाएगा ना मेरे लिए गिफ्ट? बात बात करते संतूर मॉम के बारे में। मॉम क्या होता है बहन छोड़, इसे संतूर माँ के बारे में जो भी है यार, ये मतलब इन माँ बेटे के बारे में जो कि इंस्टाग्राम पे कुछ ज़्यादा ही अश्लीलता फैला रहे हैं। मतलब भाई इनकी वीडियो देख के मैं कुछ सोच रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में, क्यों बना रहा हूँ मैं इनके ऊपर वीडियो। इनकी रील्स पे आते हैं मिलियन व्यूज़, उनको अच्छे से पता ही क्या कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि भाई ऑडियंस ही थरकी है, ऑडियंस गलत समझ रही है, जानबूझ के इस तरह के पोस्ट देंगे, जानबूझ के इस तरह के गेस्चर करते हैं लोग वीडियो में, और फिर कहते हैं कि नहीं ऑडियंस ही बेकार है। कल को सोचे देखो ये भी आ रहा है पॉडकास्ट में, कह रहे हैं कि इंडिया भाई बहुत बेकार देश है यार, इंडिया समझ नहीं पा रहा हम लोग को, तो निकल जाओ देश से, कोई दिक्कत नहीं भाई, तुम जैसे लोग की जरूरत भी नहीं है। आज मैंने न्यू नाइट सूट पहना, मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर, जैसे हमेशा लगती हो। ये सब हरकतें बाहर भी करोगे, बाहर भी लोग गाली बकते हैं, तो ऐसी बात नहीं कि इंडिया पीछे है लोगों से। ठीक है भाई, सबको चाहिए पैसा, व्यूज, सबको चाहिए फेम यार, लेकिन इतना मत गिरो इसके लिए। मुझे देखने से अनकंफर्टेबल लग रहा है, कैसे बना लेते हैं भाई ये लोग, इस चूती को शर्म नहीं आती भाई। 18 साल का होगा ये, और इसकी मम्मी मुझे जानना भी नहीं, कितना साल की है। संतूर मॉम नहीं बेंचो, ऐसा क्या संतूर है भाई इसमें, इनके भी लाखों में फॉलोअर्स हैं भाई। मुझे बता दो इतना गिरना पड़ेगा तुमको बेंचो चंद यूज़ के लिए भाई? इस लौंडे की दोस्त कितनी बकचोदी करते होंगे भाई, कह दूंगे भाई तेरा सही है बेंचो, घर में जब नहीं सेंटा बना रहा तू। और ये भी सामने आके बोलते हैं कि नहीं नहीं हमारी कुछ गलती नहीं है भाई, पता नहीं आप लोग इतना गलत क्यों सोचते हो हमारे बारे में। सही बात है, हम ही गलत है जो, मेरी गलती होगी जो मैंने देख लिया है फालतू रील। चंद लाइक के लिए कितना नीचे गिरोगे भाई, सबको पता बेमतलब सेक्सुलाइज कर रहे हैं हर चीज़ को ये लोग यार। मैं वीडियो में सोच रहा हूँ क्या बोल दूँ इन लोगों को, क्या तबाह कर दूँ इन लोगों को, और मैं कोई सही उनको जानता हूँ मोहल्ले में कहते होंगे भाई क्या चल रहा है इन लोग का, ये क्या है बेंचो की, एक तो मैं समझ नहीं पाता रीलर कैसे भाई कोई बेंचो प्रोफेशन है। रिंग लाइट ले लेंगे भाई, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए भाई, बहन के रोड़े 4 फिल्टर लगाते हैं कहते लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए भाई। इन्हें चूते को देख के लगता है कि आई का लुक तो ला रहे हैं भाई, और इंस्टाग्राम तो है ही ऐसा, इसको फर्क ही नहीं पड़ता भाई कितना अश्लील से डाल दो आप, कितने कुछ डाल दो, लेकिन नहीं भाई ब्लॉक नहीं करेगा कभी ये, वो दिन दूर नहीं जब खुद के ही खोल देगा पॉर्न अब। गाइस आपको ऐलान है, चलो यहाँ पहुँच जाओ। अब पूरी गलती इंस्टाग्राम वालों की भी नहीं है, जब हर मोहल्ले में कोई ना कोई रीलर निकल रहा है तो भाई क्या कर लेगा वो भी, हर किसी को अश्लीलता फैलानी, हर किसी को फॉलोअर्स चाहिए। अदा तो अपनी फुल कातिल है, और एटीट्यूड में तो डिग्री हासिल है तेरी मां की चूत। और जो कमेंट आते हैं भाई इनकी रील के नीचे, वो तो पाप है भाई, नर्क है वो, जहाँ से आया वहीं घुसना चाहता है। छी बहनचोद, हो गया मेरा आज का भाई, हो गया आज की वीडियो के लिए इतना ही। खैर बस यार इनका पाप देख के मेरा दिमाग सड़ गया, आज की वीडियो के लिए इतना, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, डेली वीडियो आ रही है 10:30 बजे, चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।